आज हम अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के प्रोग्राम का प्रैक्टिकली स्टार्टअप लेते हैं फर्स्ट मेन्यू फाइल मेन्यू से। ये स्टूडेंट्स, मैंने वर्ड को लोड किया, हमारी फर्स्ट स्क्रीन इस वक्त हमारे सामने है। मैंने ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया, मेरे सामने बिल्कुल एक सादा फाइल वर्ड की ओपन हो गई। ये स्टूडेंट्स, यहाँ कुछ टेक्स्ट लिखने के लिए मैंने एक फॉर्मूला लिखा, इक्वल टू RAND ब्रैकेट 10 ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो यहाँ 10 रैंडम पैराग्राफ्स मुझे मिल गए जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पहले से बिल्ट इन है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप फॉर्मूला इज इक्वल टू RAND ब्रैकेट 10 लिख के फुल स्टॉप लगाते हैं तो ये 10 रैंडम पैराग्राफ्स नहीं लिखेगा। डियर स्टूडेंट्स, फाइल मेन्यू में हमारी फर्स्ट कमांड होम। होम की कमांड ऑफिस 2019 में इंट्रोड्यूस की गई है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके पास होम में फर्स्ट ऑप्शन है ब्लैंक डॉक्यूमेंट, आपके लिए एक नई सादा फाइल क्रिएट करेगा। डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा होम में आपके पास पिंड डॉक्यूमेंट है जो कि पहले से मौजूद फाइल्स हैं, इनमें से किसी को भी क्लिक करके आप अपने सामने ओपन कर सकते हैं। फाइल क्लोज के जरिए आप इसको बंद कर सकते हैं। होम में ही आपके पास रीसेंट डॉक्यूमेंट्स पिन डॉक्यूमेंट की लिस्ट है। ये स्टूडेंट्स, इसके अलावा मोर टैम्पलेट्स का ऑप्शन है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ऑनलाइन टैम्पलेट्स हैं। जैसे ही आप टैम्पलेट पर क्लिक करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की टैम्पलेट लाइब्रेरी आपके सामने ओपन हो जाएगी। ये स्टूडेंट्स, यही कमांड आपको न्यू में भी अवेलेबल है। आपकी सेकेंड कमांड है न्यू, न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्लिक करें तो एक नई सादा फाइल आपके सामने आ गई। ये स्टूडेंट्स, नई फाइल के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपको एक शॉर्ट की कमांड भी है कंट्रोल एन की मदद से आप एक नई सादा फाइल क्रिएट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, न्यू के अंदर आपके पास ऑनलाइन टैम्पलेट्स हैं, बिजनेस रेलेवेंट कार्ड्स फ्लायर्स एजुकेशन रिज्यूम्स एंड कवर्स लेटर। फॉर एग्जांपल, आई नीड अ रिज्यूम, तो मैं यहां पर रिज्यूम एंड कवर लेटर्स पर क्लिक करूंगा तो डियर स्टूडेंट्स, थाउजेंड्स ऑफ ऑनलाइन ऑफिस टैम्पलेट्स में आपकी रिज्यूम्स आपके सामने आ गई हैं। यहां से आप अपना कोई भी रिज्यूम स्टाइल जो आपको पसंद हो चूज करेंगे और क्रिएट पर क्लिक करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का इंटरनेट से कनेक्ट होना मस्ट है। यहां आपके सामने रिज्यूम टैम्पलेट आ चुका है, ये क्लिक एंड टाइप है। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आप क्लिक करेंगे और टाइप करेंगे और विद इन फ्यू सेकेंड्स एक खूबसूरत स्टाइल में आपकी रेज्यूम आपकी सीवी तैयार हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, जस्ट क्लिक एंड टाइप और इसको बिल्कुल फाइल की तरह सेव किया जा सकता है। सिंपली फाइल सेव पर क्लिक करेंगे और आप इसको जस्ट लाइक नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स सेव कर सकते हैं। सिमिलरली डियर स्टूडेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के टैम्पलेट्स में आपके पास कैलेंडर्स हैं, कार्ड्स हैं, क्राफ्ट्स हैं, फ्लायर्स हैं, लेटर्स हैं, एजुकेशन से मुतालिक डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं, कोई भी चीज़ आप कोई भी सैम्पल डॉक्यूमेंट आप डाउनलोड कर सकते हैं। टैम्पलेट का मतलब भी यही है कि सैम्पल डॉक्यूमेंट्स एडेड टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट और कार्ड बिल्ट इन टैम्पलेट्स। डियर स्टूडेंट्स, हमारी नेक्स्ट कमांड है ओपन। ओपन का मतलब है बनी हुई फाइल को खोलना। ओपन कमांड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने लिस्ट ऑफ रीसेंट डॉक्यूमेंट्स आ गई है, यहाँ से आप किसी भी फाइल को क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ही ये मेरी वन ड्राइव से कनेक्ट है। ओपन कमांड में ब्राउज का ऑप्शन है, ब्राउज ऑप्शन की मदद से आप अपने कंप्यूटर में मौजूद डॉक्यूमेंट्स में से किसी भी फाइल को क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। सिमिलरली डियर स्टूडेंट्स, ओपन कमांड की मदद से आप अपने ऑफिस की वन ड्राइव को एक्सेस कर सकते हैं। वन ड्राइव पर्सनल माइक्रोसॉफ्ट आपको एक फ्री ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज की फैसिलिटी देता है ऑफिस 2019 के साथ। इस फैसिलिटी को
हासिल करने के लिए डियर स्टूडेंट्स आपको इसमें अपना अकाउंट साइन इन करना पड़ता है, जैसे यहाँ मेरा हॉटमेल अकाउंट लॉग इन है, जिसकी वजह से मैं अपनी डाटा को अपनी वन ड्राइव में भी सेव कर सकता हूँ और यहाँ से भी इसे ओपन या क्लोज किया जा सकता है। डियर स्टूडेंट्स, ओपन कमांड के लिए हमारे पास शॉर्ट की भी है। शॉर्ट की ओपन कमांड के लिए कंट्रोल ओ प्रेस करेंगे तो आपके सामने यही ओपन कमांड दोबारा ऑपरेट हो जाएगी। यहाँ आप माय डॉक्यूमेंट्स में से खोलें, अपने वन ड्राइव में से खोलें, आपकी मर्जी। नेक्स्ट कमांड डियर स्टूडेंट्स हमारी इन्फो। इन्फो की कमांड हमारी मौजूदा फाइल की इंफॉर्मेशन देती है कि हमारी फाइल का साइज क्या है, फाइल में पेजेस कितने हैं, फाइल में वर्ड्स कितने हैं, फाइल का एडिटिंग टाइम कितना है। डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा आप इन्फो प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट की मदद से अपनी फाइल को ओपन के लिए पासवर्ड लगा सकते हैं। इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट से आप इसके एक्सएमएल डेटा को चेक कर सकते हैं। मैनेज डॉक्यूमेंट से आप अपने डॉक्यूमेंट को मैनेज कर सकते हैं कि कहाँ स्टोर किया जाए, माई डॉक्यूमेंट्स में, डेस्कटॉप पे या आपकी वन ड्राइव में। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कमांड है सेव। सेव कमांड पे क्लिक करेंगे तो आप अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सेव के लिए एक न्यू फाइल का होना मस्ट है। अनसेव्ड फाइल का होना मस्ट है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ये फाइल है जो इस वक्त सेव नहीं है। फाइल सेव पर क्लिक करेंगे और ब्राउज पर क्लिक करेंगे, जहां आप सेव करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आप इसको डेस्कटॉप पे सेव करें, डेस्कटॉप चूज कर लें, डॉक्यूमेंट सेव डॉक्यूमेंट चूज कर लें, फाइल को नाम देंगे एंड सेव कमांड पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी फाइल का नाम डॉक्यूमेंट 2 की बजाय आपको एबीसी नजर आ रहा है। डियर स्टूडेंट्स, सिमिलरली डियर स्टूडेंट्स, आप फाइल सेव को भी शॉर्ट कमांड के जरिए कर सकते हैं। सेव की शॉर्ट की है डियर स्टूडेंट्स कंट्रोल एस। आप कीबोर्ड से कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो यहां पे आप अपनी फाइल को नेम देके जहां सेव करना चाहते हैं सेव कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारी नेक्स्ट कमांड सेव से ही रेलेवेंट है। सेव एज। सेव एज का मतलब है कि मेरी ये जो मौजूदा फाइल है इसकी एक कॉपी फाइल बना दो किसी दूसरी लोकेशन पे। सेव एज कमांड में जाएंगे, ब्राउज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मुझे मेरी इस फाइल की कॉपी डेस्कटॉप पे चाहिए। मैंने कॉपी फाइल का नाम रख दिया गुड एंड सेव। तो डियर स्टूडेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने आपके लिए इस फाइल की कॉपी फाइल डेस्कटॉप पर सेव कर दी गुड नाम के साथ। डियर स्टूडेंट्स, सेव एज कमांड में आप अपनी फाइल को पासवर्ड भी लगा सकते हैं। सेव एज कमांड में जाएंगे, ब्राउज करेंगे, फाइल का नेम चेंज करने के बजाय टूल्स जनरल ऑप्शन पासवर्ड टू ओपन। डियर स्टूडेंट्स, मैंने दे दिया 123। पासवर्ड टू मॉडिफाई, मैंने दे दिया 111। ओके, री एंटर पासवर्ड टू ओपन 123, री एंटर पासवर्ड टू मॉडिफाई 111। ओके, देन सेव। डियर स्टूडेंट्स, अब इस फाइल को बकायदा पासवर्ड अप्लाई हो चुका है। इन केस आप इस फाइल को ओपन करेंगे तो ये बकायदा पासवर्ड डिमांड करेगी। आप ओपन का पासवर्ड देंगे, इसके बाद आप मॉडिफाई का पासवर्ड देंगे तो आप फाइल को ओपन कर सकते हैं। इन केस आप पासवर्ड को रिमूव करना चाहते हैं, आप सेव एज में दोबारा जाएंगे, ब्राउज में जाएंगे, टूल्स जनरल ऑप्शंस, पासवर्ड को डिलीट कर देंगे और ओके करेंगे। देन डियर स्टूडेंट्स, आप अपनी फाइल को सेव कर देंगे। इस पे कोई पासवर्ड नहीं है। आप क्लोज करके रीओपन करके चेक कर सकते हैं आपकी फाइल में कोई पासवर्ड नहीं। डियर स्टूडेंट, सेव एज की शॉर्ट की है F12। F12 की मदद से आप अपनी फाइल के अंदर सेव एज कमांड को शॉर्ट की से ऑपरेट कर सकते हैं।